हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो वापस से हम लोग आ चुके पबजी मॉल का एक और न्यू इवेंट के साथ। और आज वाला जो इवेंट ये आपको सब रीजन में देखने को मिलेगा। अगर आप पबजी मॉल यूजर हो तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कोई भी रीजन में सेट करके रखो अपने अकाउंट को, ठीक है। बट जो चीज़ में फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे भाई मेरा ग्लोबल अकाउंट में प्रीमियम क्रेड नहीं दिख रहा जो आज आया। आपको पता है कि हम लोग का प्रीमियम क्रेड आज रिफ्रेश हुआ, जिसमें हम लोग को एमरल्ड पंक ये आउटफिट आपको दिखाई दे रहा। तो कुछ कुछ बंदे मुझे कमेंट कर रहे कि मेरा अकाउंट में ये नहीं दिख रहा, कुछ ग्लिच हुआ है। वो लोग गेम को रीइंस्टॉल भी किए, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ, रीइंस्टॉल रिपेयर करने से ही आपको ये वाला आउटफिट नहीं देखने को मिलेगा प्रीमियम क्रेड के अंदर। क्योंकि इसराइल, टर्की और एक दो रीजन में आपको ये जो आउटफिट है एक स्पिन का फॉर्म में दिखेगा, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है। इसका पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता क्लियरली, मैं आपको बता देता हूँ। बट ये आपको एक स्पिन का फॉर्म में दिया जा रहा है। अगर आप ये सब कंट्री में अपने अकाउंट को रखे हो तो आप अनफॉर्चुनेटली प्रीमियम क्रेड की मदद से वो आउटफिट सबको निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। और कुछ स्पिन आपके स्क्रीन में ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो जो बंदे अगर आप सोच रहे कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुआ या गेम में गड़बड़ हुआ कि मेरा प्रीमियम क्रेड रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, तो कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले भी एक बार टर्की रीजन में जब क्लासिक क्रेड मतलब चीज़ क्लासिक क्रेड आया था, वो वाला भी देखने को नहीं मिला और वो एक स्पिन का फॉर्म में देखने को मिला बाद में पबजी मोबाइल के टर्की यूज़र बंदे को, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, जिसके लिए एग्जैक्टली वीडियो है। तो इधर आप देख पा रहे ग्रुप परचेज पर्क, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो तो VPN कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो ये जो इवेंट है इसका टाइम पीरियड 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलने वाला है, क्योंकि 18 अक्टूबर का हम लोग का M4 का रॉयल पास आने वाला है। और इसमें आप दो पैक दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल वाला 360 UC वाला पैक और दूसरा आप देख पा रहे हो 960 UC वाला पैक। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इतना सिंपल वे में समझाने के लिए। अगर आप आज ही का आज ही रॉयल पास को प्री ऑर्डर करके रखते हो, जैसे M4 रॉयल पास आज ही आप प्री ऑर्डर कर देते हो, तो आपको 10 UC का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। जो न्यू यूज़र है, पहले बता दे रहा हूँ, जो न्यू यूज़र है फर्स्ट टाइम रॉयल पास परचेस करना चाहते हो, तो आज ही आप M4 रॉयल पास के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हो, UC अकाउंट में डाल के इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आज ही परचेस करते हो, अगर आप न्यू यूज़र हो, तो आपको 350 UC का केवल रॉयल पास लगेगा। और अगर आप बड़ा वाला लेना चाहते हो तो आपको 930 UC देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 30 UC का डिस्काउंट होगा, नॉर्मल वाले पैक में 10 UC का डिस्काउंट होगा, समझ में आ गया। बट आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो, मतलब पहले से आप रॉयल पास परचेस करते हो, M3 का भी रॉयल पास परचेस किए होगे, तो आपको पता होगा कि आपको एक 60 UC वाला वाउचर मिला होगा रैंक 30 में, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और उसका कॉस्टिंग कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे कॉस्टिंग, ये ज़्यादातर लोगों का होने वाला है, जिसमें आप देख पा रहे लेफ्ट साइड में 60 UC जो वाउचर आपको मिला था फ्री में, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और आज ही का आज ही आप M4 रॉयल पास को प्री ऑर्डर करके परचेस करके रख सकते हो। तो आपका कितना बेनिफिट हो जाएगा, पहले 350 लग रहा था, 60 UC और माइनस हो गया, तो आपको जो नॉर्मल रॉयल पास होगा वो 290 UC का हो जाएगा। और अगर आप प्लस एडिशन वाला खरीदना चाहते हो 960 वाला, वो हो जाएगा 870। तो ज़्यादातर लोगों का ऐसे कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा जो अभी आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो। और ये जो एग्जिस्टिंग यूज़र है, जो ऑलरेडी हर एक महीना रॉयल पास परचेस करते हैं, तो उसको कुछ ऐसे बोल सकते हो कॉस्टिंग दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें और भी एडिशनल बोनस आपको मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे ही आप मान लो रॉयल पास परचेस किए, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन दिया जाएगा, ज्वाइंट ग्रुप करो या क्रिएट ग्रुप। पिछले बार ये गलती किए थे बहुत यूज़र की, वो लोग क्रिएट ग्रुप करते। अब देखो क्रिएट ग्रुप करने से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको और दो बंदे को खोजना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो बंदे को खोजेंगे नहीं तो आपको और बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा फायदा ये होता है कि आप ज्वाइन ग्रुप करो। ऑलरेडी कोई बंदा अगर ग्रुप क्रिएट कर लिया है तो उसका ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये वाला इवेंट में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप क्रिएट ग्रुप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप ज्वाइन ग्रुप करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर क्रिएट करो ज्वाइन करो, दोनों का सेम बेनिफिट है। और मैं तो बोलूँगा कि जो ज्वाइन करता वो ज़्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि उसको दिमाग ख़राब करने का ज़रूरत नहीं होता। किसी का भी कोड डाल लो अपने प्रोफाइल में और ऑटोमेटिकली वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और उसका डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो एक ग्रुप में 3 बंदे होंगे आपको लेके, तो जैसे आप क्रिएट ग्रुप करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इंप्लीमेंट हो जाओगे, तो आपको और दो बंदा खोजना होगा। अब अगर आपके पास फ्रेंड है तो बहुत अच्छा बात है, आपको बंदा खोजने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो मैं आपका हेल्प करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, उधर ज्वाइन करो। बहुत सारे बंदे आएंगे और ऑटोमेटिकली आपको कोड देंगे या आप अपना कोड को पेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के
बाद आपको पबजी मोबाइल का वर्जन सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता तो आप पब्लिक टेस्ट में आकर किसी को पूछ सकते हो कि मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो, कहाँ मुझे कोड डालना, ठीक है। जहाँ तक कोड डालोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा और आपको बैन भी मिल सकता है, तो आप किसी से पूछ लेना, नहीं तो आप पबजी रोल ले लेना। सब कुछ बहुत ही सिंपल है, रूल में एक वीडियो होगा, वीडियो देख के डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करो, अपना जो कोड है दूसरा को दो, नहीं तो दूसरा कोड में ज्वाइन करो। मैं फिर बता रहा हूँ, हर एक बंदा क्रिएट मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। जब तक आपके ग्रुप में 3 बंदा नहीं होता तो आपका जो रॉयल पास का जो ज़्यादा बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। रॉयल पास सबको मिलेगा, अगर आप ग्रुप क्रिएट करो नहीं क्रिएट करो, आपके ग्रुप में आए कोई नहीं आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रॉयल पास मिलेगा। बट अगर आप किसी को ऐड कराते अपने ग्रुप में तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ आपको जाना है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। दोनों का इंपॉर्टेंस मैं बता दिया, ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आपका दिमाग में झंझट नहीं होगा कि किसी को हम मेरा ग्रुप में ऐड करवाना, दोनों का सेम प्रॉफिट है, बता दिया ना। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड बोनस, क्योंकि पहला बोनस तो आप जैसे ही आज ही प्री ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट तो मैं बता दिया कैसा कैसा डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड बोनस में। सेकेंड बोनस ये है कि आप जैसे ग्रुप क्रिएट किए हो और उसके बाद दो बंदे को अपने ग्रुप में ऐड करवा लिए हो तो ऑटोमेटिकली एक पूरा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा 3 मेंबर का और 20 यूसी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और इवन जो जो बंदे आपके ग्रुप में ज्वाइन किए उसका भी प्रोफाइल में और 20 यूसी डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 290 से 20 यूसी माइनस हुआ तो 270 हो गया, और 870 यूसी से 20 यूसी माइनस हो गया तो आपका हो गया 850, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पहला बेनिफिट अगर आप नॉर्मल बंदे को अपने ग्रुप में ऐड करते हो। बट पबजी मोबाइल आपको एक और एडिशनल बोनस देगा जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप कोई ऐसा बंदे को बुलाते हो जो रॉयल पास परचेस कभी किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम रॉयल पास परचेस करने वाले है, और उसको आप अपने ग्रुप में ऐड करवा लेते हो तो क्या बेनिफिट है, मैं आपको बताता हूँ। आपको और 30 यूसी का बेनिफिट मिल जाएगा। 20 यूसी तो मिल रहा है, जैसे ग्रुप फॉर्म हो जाएगा 3 बंदे का तो 20 यूसी तो मिलेगा ही, कोई भी बंदे को मिलेगा, सब बंदे को मिल जाएगा। बट एनी हाउ किसी एक नया बंदे को बुलाते हो जो कभी भी रॉयल पास परचेस नहीं किया बट फर्स्ट टाइम वो रॉयल पास परचेस करने वाला है, तो उसको आप अपने ग्रुप में बुला लो तो आपको और 30 यूसी का डिस्काउंट हो जाएगा। तो मतलब कितना हुआ, 270 पहले से था, अभी और 30 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 240 हो गया नॉर्मल वाला रॉयल पास। 240 यूसी में आप रॉयल पास परचेस कर रहे हो, और उसके बाद जो यूसी आपका रिटर्न मिलने वाला वो है 360, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ आप खुद कैलकुलेट कर लो, 120 यूसी का, समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे करके आपको बेनिफिट निकालना है। उसके बाद 870 आप देखे तो 870 मान लो पहले से 20 डिस्काउंट था तो था 850, और 850 में और 30 माइनस कर दो तो 820 हो गया, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट आप दिमाग लगा के सोच ही सक रहे हो। अब एक और चीज़ है कि कोई कोई बंदे जैसे क्रिएट कर दिए ग्रुप, आपके ग्रुप में कोई भी बंदे ज्वाइन नहीं किए तो आपका क्या होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा? जी नहीं, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपको जो नॉर्मल प्लान जो दिख रहा है आपके स्क्रीन में जैसे 870 यूसी या 290 यूसी का ही आपको रॉयल पास मिलेगा, बट वो चीज अभी नहीं मिलेगा। जैसे ही मान लो इवेंट खत्म होगा, जैसे 17 तारीख को ये इवेंट खत्म हो जाएगा, तो उसका 24 घंटे के अंदर आपके मेल बॉक्स में कभी भी ये जो पैक आपने लिए हो वो मेल बॉक्स में आ जाएगा। तो वो उन लोग को थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा जिसका ग्रुप पूरा फॉर्म नहीं होगा, और वो इवेंट खत्म होने का 24 घंटे बाद मिलेगा। बट अगर आप आज ही प्री ऑर्डर कर दो और आज ही पूरा ग्रुप फॉर्म कर दे दो तो जैसे ग्रुप फॉर्म होगा उसका कुछ घंटे मतलब 5-6 घंटे या 2 घंटे बाद ही आपको मेल बॉक्स में आपका रॉयल पास उसके साथ साथ एडिशनल यूसी मिल जाएगा। समझ में आ गया, मैं कोशिश किया बहुत इजी में समझाने के लिए, आई होप को समझ में आ चुका। चलो ये वीडियो को इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।